हेलो, वेलकम टू अनीतास किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी और बहुत इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारा दाल या सब्जी से रोटी खाने को मन नहीं होता, या एक बार हमने खा ली होती है तो दोबारा हमारा उसी सब्जी से खाने को मन नहीं होता। कई बार मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो मैं एक ये मिर्ची आपको एक तरह से बताऊंगी जो जिससे आप पूरा खाना खा सकते हो और बहुत ही ये टेस्टी लगती है। मेरे को तो बहुत ही पसंद है और जिसको भी मैंने खिलाई है उसको ये बहुत पसंद है और वो लोग कहते हैं मेरे साथ इसकी रेसिपी शेयर करिए। तो मैं उन लोगों के लिए रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और बहुत ही इजी है, देखिएगा और आप बनाइएगा इसको। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिस जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ, और साथ में जो बेल बटन है उसको प्रेस जरूर करिएगा ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है और आप कौन सी और रेसिपी देखना चाहते हो। चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने इसके लिए ये 250 ग्राम मिर्ची लगी है, चार मिर्ची चढ़ी है। ये बहुत मोटी और बहुत कम स्पाइसी होती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा फीलिंग भर सकते हैं। ये करते हैं हम इसको बीच में से खाली। देखिए, इसके लिए मैंने एक प्याज और पांच लहसुन की कलियां मैंने ग्राइंड कर ली है, बिल्कुल बारीक मैंने नहीं पीसा। आप देख सकते हैं काफी मोटा मुझे रखना है, बस जस्ट चॉप जैसे होता है वैसे ही इसको मैं एक कटोरी में निकाल लूंगी। और इसमें जो मैं मसाले मिलाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए, और इसको मैं अभी पूरा खाली कर लूंगी। इसके अंदर जो बीज है इसमें चीरा हमने ऐसे लगाना है कि पूरा ऊपर से हमने कट नहीं देना। ये देखिए इस तरीके से, और जो इसके अंदर से बीज है ये हम इसको निकाल लेंगे। वैसे इसमें बीज बहुत कम होते हैं, अगर हो कोई बीज दिखे, वैसे इसमें देखो बहुत कम बीज नजर आ रही है, तो मैं इसको काट के अलग कर लूंगी। देखिए, मैं दूसरी भी काट के दिखाती हूँ। इस तरीके से कट करना है। ये देखिए, बीज बहुत कम है, जितने होंगे मैं निकाल लूंगी। ऑलमोस्ट ये खाली ही है। देखिए, इस तरीके से इसको खाली कर लिया मैंने। बिल्कुल मैं ऐसे ही सारी कर लूंगी कट करके। देखिए, मिर्ची मेरी कट गई है। ये इसके अंदर वैसे बीज बहुत कम ही होते हैं, बिल्कुल खाली है ये। और प्याज लहसुन में मसाले मिलाऊंगी टेस्ट टू के अकॉर्डिंग। मैं ये देखो, दो चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, और दो ही चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये दो ही चम्मच मिर्च नहीं, मैं बहुत कम डालूंगी। अगर स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो बिल्कुल मिर्च को आप स्किप कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आधे के जी जितना टेंट के लिए डाल रही हूँ। और ये अमचूर पाउडर तो इसमें दो ही चम्मच जाएगा, और धनिया भी इसमें दो चम्मच जाता है, थोड़ा कम रह गया, थोड़ा सा और डालती हूँ इसमें। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, हाथों की सहायता से मैं इसको मिक्स कर लूंगी ताकि मसाला हर तरफ इक्वली हो जाए। और मैं इसमें भरूंगी। अब देखिए, सारी जगह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कहीं ज्यादा या कम ना रहे। बहुत ही टेस्टी ये लगती है। कभी भी कोई गेस्ट आ जाए जल्दी में और जल्दी से उसको कुछ और एक्स्ट्रा खिलाना आप चाहते हो तो आप ये बना सकते हैं बहुत जल्दी में। देखिए, मैं इसके अंदर सारे ऐसे भरूंगी इस तरीके से, काफी सारा इसमें आ जाएगा। दबा दबा के मैं इस तरीके से भर दूंगी सारी मिर्ची। ये देखिए इस तरीके से सारी मैं इसी तरीके से भर लूंगी इसमें। चारों मिर्च में मैं ये पूरा मसाला डिवाइड करके पूरा फिनिश कर दूंगी जितना भी आता है इसमें। देखिए, बहुत कोई ज्यादा देर भी नहीं लगती इसको बनाने में, हम बहुत इजीली इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। देखिए,
दो मिनट में मेरी ये मिर्च भर गई। इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें मैं भर लूंगी पूरा, मैं फिनिश कर दूंगी इसका मसाला। और ये आप फ्रिज में रख के काफी दिन तक इसको यूज कर सकती हूँ, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है इसलिए ये चल सकती है। ये देखिए मैंने एक तवा रख लिया, उसमें मैंने डाला है सरसों का थोड़ा सा तेल, और यहाँ पे मिर्ची मैं इस पे रख लूंगी। मैंने मीडियम रखा हुआ अभी गैस को, चारों तरफ से मैं इसे सेक लूंगी। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे सेकने में मुझे। एक तरफ से सीख रही है, एक तरफ से सीख जाएगी तब मैं इसको पलट दूंगी। चारों तरफ से अच्छे से सेक लिया है, चारों तरफ से अच्छे से सीख गई है पलट पलट के। ये देखिए नीचे से भी सीख गई है मेरी सारी मिर्ची, अच्छे से सीख गई है। मैं गैस को करती हूँ ऑफ और इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए मजेदार चटपटी मिर्ची बनके मेरी रेडी है, बिल्कुल मसालेदार एकदम मस्त मिर्ची। इसे रोटी पराठे किसी के साथ भी आप खाइए, खाइए बनाइए और बताइए मुझे ये कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।